ठीक है, हम आ गए। मैं हेमंत शर्मा आज हाई कोर्ट में अपनी सिस्टर आशा शर्मा के लिए सपोर्ट में आया हूँ, जो कि हाईली एजुकेटेड एक लॉयर है। और मैं ये कहना चाहूँगा, आज ये एक ट्रेजरर की पोस्ट पे खड़ी हो रही है, जिसे हम कहेंगे कोषाध्यक्ष। और मैं ये चाहता हूँ कि भविष्य में भी ये बहुत आगे बढ़े और एमएलए की भी पोस्ट फाइट करें, क्योंकि हम एमएलए गंवार लोगों को बना देते हैं, जिसके लिए किसी पोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और हम चाहते हैं कि एजुकेटेड लोग भी आगे भविष्य को तय करें और हम सब उनका साथ दें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप चाहते हैं कि ये एजुकेटेड लोग ही आगे देश की बागडोर संभालें? ये बहुत ज़रूरी है, सब सोसाइटी में जो भी हो रहा है अब, उसके लिए ऐसे अवेयर लोग हों जो कि सोसाइटी के लिए जानते हों, जो करने का भाव रखते हों, और अपन लोग उन्हीं लोगों के लिए वोट करें। प्रेसिडेंट साहब, ये है कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, ये आपसे कुछ कहना चाहेंगे, क्या ये मेरी बात से सहमत है? 100% सहमत हूँ आपकी बात से। आप जमाना अब यूथ को आगे बढ़ना है, यूथ को आगे बढ़ाना है, तो पॉलिटिक्स में अगर ये इंटरेस्ट रखते हैं तो निश्चित रूप से इनको आगे आना चाहिए, इनको मौका भी मिलना चाहिए, ताकि देश की व्यवस्था में सुधार हो सके और देश आगे बढ़ सके। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम एजुकेटेड लोग भी देश को बदल सकते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है? बिल्कुल, थैंक यू। और मैं आप सभी से एक बार ये कहलवाना चाहूँगा, वोट फॉर आशा शर्मा, वोट फॉर आशा शर्मा, वोट फॉर आशा शर्मा, बैलेट नंबर 3, बैलेट नंबर 3, वंदे मातरम, जय हिंद।